कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम इस महीने की शुरुआत में मेघालय में हुआ। मेघालय के बहादुर योद्धा यू टिरोत सिंह जी की पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें याद किया। टिरोत सिंह जी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर प्रहार करने की अंग्रेजों की साजिश का जमकर विरोध किया था। इस कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी, इतिहास को जिंदा कर दिया। इसमें एक कार्निवल का आयोजन भी किया गया जिसमें मेघालय की महान संस्कृति को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाया गया। इसमें राज्य की 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कर्नाटका के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानीय साहित्यिक उपलब्धियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। साथियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। यहां ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय करा दिया था। आप जब कभी तमिलनाडु के लोगों से बात करेंगे तो आपको थूथुकुड़ी जिले के वांची मणियाची जंक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। ये स्टेशन तमिल स्वतंत्रता सेनानी वांची नाथन जी के नाम पर है। ये वही स्थान है जहां 25 साल के युवा वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किए की सजा दी थी। साथियों, ये लिस्ट काफी लंबी है। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। आपको स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं। मैं आसपास के स्कूल के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, टीचर से आग्रह करूंगा कि अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जरूर स्टेशन पे जाएं और पूरा घटनाक्रम उन बच्चों को सुनाएं, समझाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे
अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई अब भी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर में लोगों की बढ़ती रुचि ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय पारंपरिक पद्धतियां कितनी उपयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। साथियों, देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है। अभी अभी जुलाई महीने में इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया गया। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट्स यह प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है, जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है। इस वर्चुअल हर्बेरियम पर अभी लाख से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बॉटनिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे,
तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। जम्मू के पल्ली गांव में विनोद कुमार जी भी 1500 से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है। इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कर्नाटका के एक और किसान है मधुकेश्वर हेगड़े जी। मधुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए सब्सिडी ली थी। आज उनके पास 800 से ज्यादा कॉलोनियां हैं और वो कई टन शहद बेचते हैं। उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद, तुलसी शहद, आंवला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। मधुकेश्वर जी, मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया गया है। शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपने एक लैब भी बनवाई। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि देश से शहद का निर्यात भी बढ़ गया है। देश ने नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभियान चलाए। किसानों ने पूरा परिश्रम किया और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुंचने लगी। अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जुड़कर उनका लाभ लें और नई संभावनाओं को साकार करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है। उन्होंने अपने पत्र में चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है। दरअसल मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं। जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के पर्यटक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है। आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबा जा सकते हैं।
चंबा तो इतना खूबसूरत है कि यहां के लोक गीतों में बार बार कहा जाता है, चंबे एक दिन ओणा कने महीना रहना। यानी जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं। साथियों, हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासु देवता का आह्वान करके बिसु गीत गाए जाते हैं। महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। साथियों, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते हैं। इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है। जैसे कि आपको अगर मौका मिले तो तेलंगाना के मेडारम का 4 दिवसीय समक्का सरलम्मा जात्रा मेला देखने जरूर जाइए। इस मेले को तेलंगाना का महाकुंभ कहा जाता है। सरलम्मा जात्रा मेला दो आदिवासी महिला नायिकाओं समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। ये तेलंगाना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। आंध्र प्रदेश में मारीदम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मान्यताओं से जुड़ा बड़ा मेला है। मारीदम्मा मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है और यहां का आदिवासी समाज इसे शक्ति उपासना के साथ जोड़ता है। यहीं पूर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में मरिदम्मा मंदिर भी है। इसी तरह राजस्थान में गरासिया जनजाति के लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आयोजन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। तब भील राजा कासुमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र